मैं जरा घुमाइए, बताइए सत्य के साथ आप लोग है कि नहीं, सत्य के साथ है कि नहीं? गरीबों की जो बात करेगा उसका साथ है नहीं है? मनीष कश्यप को जानते हो? हाँ। कौन है वो फोटो में जो लगा रहा है अभी? मनीष कश्यप रिपोर्टर है। रिपोर्टर है, देखिए लोग जानते हैं। रिपोर्टर राबड़ी का यूट्यूबर, क्या बोला इसने? रिपोर्टर मैं नहीं कर, सरकार कह रही है ना, जनता सरकार कहेगी। दोस्तों मनीष कश्यप मामले में बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत। मनीष कश्यप बाकी यार, हमको ऐसे बोलने में मजा नहीं आता है भाई, हमसे नहीं होता है भाई लोग, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मनीष कश्यप के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, बहुत 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 बड़ा खुशखबरी है, सुप्रीम कोर्ट से आया। लेकिन हम आपको कैसे बताएं, मतलब कुछ लोग कहता है कि थोड़ा सा आराम से बोलो भाई, धीरे बोलो, हमसे नहीं होता है, हम अपना मियाज में बोलेंगे ना, हमको जैसे बोलने आता वैसे ना बोलेंगे। चलिए हम अपना मियाज में बोलते हैं, शुरू करते हैं। तो अब अपना कहानी, कहानी कहानी नहीं, सच्चाई रहता है, कहानी क्यों बोलता है यार। हाँ, मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन हम जानते भाई, हम एक तरफ तो खुश है क्योंकि मनीष कश्यप को राहत मिली है, लेकिन एक तरफ हमारा अंदर बहुत गुस्सा भी है कि आखिर मनीष कश्यप के साथ इतना दोगला नीति क्यों, मनीष कश्यप के साथ इतनी दोगला पंती क्यों। एक तरफ हमको खुशी है कि मनीष कश्यप को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्या मिली है हम बताएंगे आगे, हम खुश हैं। लेकिन हमको दूसरी तरफ गुस्सा भी आ रहा है कि आखिर मनीष कश्यप के साथ इतना बड़ा दोगला पंती क्यों किया जा रहा है। क्या दोगला पंती है, क्या खुशखबरी है, क्या है पूरी सच्चाई, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए पहले बताते हैं मनीष कश्यप को क्या राहत मिली है और क्या खुशखबरी मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का बाद में बात करते हैं, थोड़ा पहले एक बात जान लीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाला बात बोलेंगे ना तो समझ में भी आएगा आपको। दरअसल मणिपुर में जो घटना हुआ था, शायद आप लोगों को मालूम होगा, मणिपुर में जो घटना हुआ था, दो समुदायों के बीच में जो मारकाट हुआ था, उसके बारे में एक EGI करके, एक एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, एक पत्रकार है, मतलब पत्रकार नहीं कह सकते हैं, एक उसका कंपनी समझ लीजिए, कंपनी है जो छापता है, मतलब रिपोर्ट करता है, पत्रकारिता करता है, समझिए ऐसे। तो जब मणिपुर में जो घटना हुआ, तो उस घटना को जो वायरल किया, उस घटना से जो रिपोर्ट दुनिया में लोगों को दिखाया, वो था EGI, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, एक कंपनी, एक रिपोर्टर, एक पत्रकार की कंपनी, जो कि रिपोर्ट लिखा मणिपुर के बारे में कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, छापा 24 पन्ना छापा। हम क्यों बोल रहे हैं इसका मतलब आपको आगे पता चलेगा, मनीष कश्यप के बारे में आगे पता चलेगा। तो EGI जो है छापा 24 पन्ना, लेकिन उस 24 के 24 पन्ना में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं थी, मतलब फेक न्यूज, वही जो मनीष कश्यप के साथ हुआ, मनीष कश्यप छापा, लेकिन जो लोग बता रहे कि फेक न्यूज था, वैसा कुछ नहीं था। और पता नहीं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनीष कश्यप का कौन सा न्यूज को लोग फेक बता रहा है, ये भी हमको मालूम नहीं है। लेकिन चलिए, जो लोग कहता है उसी आधार पे बात करते हैं हम। तो ये जो EGI है, वो 24 पन्ना खबर छापा, वो सारा के सारा फेक निकला, मतलब सारा का सारा झूठा निकला। तो केस हुआ, तो जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पत्रकार इतने सारे हैं देश में, और हर दिन कुछ न कुछ रिपोर्ट छपते रहता है जो कि पूरा सच नहीं होता है, गलत होता है, फॉल्स न्यूज रहता है, तो कितनों पर केस किया जाए, कितनों पर मुकदमा किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब से पत्रकारों के गलत रिपोर्टिंग पर केस नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा, और उसको अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर पत्रकार गलत न्यूज देता है, गलत रिपोर्ट भी करता है, तो उस पर केस नहीं होगा। अच्छा, तो जब यही बात है तो मनीष कश्यप के लिए राहत है ये, क्योंकि इसी का यूज करके मनीष कश्यप के वकील जो है वो हाई कोर्ट में लड़ेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट बोला है कि पत्रकार अगर गलत रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको पर केस नहीं होना चाहिए, तो इसका आधार बना के मनीष कश्यप को जेल से छुड़ाया जा सकता है। तो ये एक खुशखबरी है मनीष कश्यप के, लेकिन हमको गुस्सा क्यों आ रहा है अब जरा ये सुनिए। जब EGI का बात आया तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि फॉल्स रिपोर्टिंग यानी गलत रिपोर्टिंग करना कोई गुनाह नहीं है। तो जब मनीष कश्यप जब रिपोर्ट किया तो फिर उसका क्यों नहीं सुना गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बताइए। आखिर में उस समय भी तो सुप्रीम कोर्ट को मनीष कश्यप का बात सुनना चाहिए था ना। तो जानते हैं जो मनीष कश्यप के विरोध में
लड़ने वाले वकील थे कपिल सिब्बल जी, वो कहते हैं कि मनीष कश्यप जी पत्रकार नहीं है, मनीष कश्यप तो यूट्यूबर नहीं है, वो कहते हैं मनीष कश्यप एक राजनेता है। राजनेता मतलब पॉलिटिशियन है, चुनाव लड़े हुए हैं, तो मनीष कश्यप एक राजनेता है, इसलिए उसका जो रिपोर्टिंग अगर हुआ है तो उसको पत्रकारों के कैटेगरी में नहीं गिनती किया जा सकता है। तो जरा मुझे यह बताइए कि क्या होता है रिपोर्टिंग, क्या होता है पत्रकार, क्या होता है यूट्यूबर। हम भी है, हम भी पत्रकार नहीं है, हमको भी लोग यूट्यूबर कहेगा, लेकिन रिपोर्ट करना तो रिपोर्ट करना हुआ ना, चाहे पत्रकार करे चाहे रिपोर्टर या फिर यूट्यूबर, जो करे भाई, रिपोर्ट तो रिपोर्ट होता है। तो मनीष कश्यप भी तो रिपोर्टिंग किया ना, तुम भले मनीष कश्यप को यूट्यूबर मानो, भले ही तुम मनीष कश्यप को पत्रकार ना मानो, तुम राजनेता मानो, जो मानो, लेकिन मनीष कश्यप ने भी जो बोला, पता नहीं क्या बोला, वो तो हमको आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर मनीष कश्यप ऐसा कौन सा वीडियो बना दिया जो फेक वीडियो था, तो हमको आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन जो कहता है, जो वही आधार पे हम बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप ने अगर फेक वीडियो बनाया तो वो भी तो एक रिपोर्ट था ना, वो भी तो किसी को देख करके ही बनाया था ना, वो भी तो किसी से न्यूज लेकर के ही बनाया था, उसने पैदा तो नहीं किया था अपने घर से उस न्यूज को, उसने साजिश तो नहीं रची थी। तो फिर मनीष कश्यप जेल में क्यों है अभी तक, क्यों है मनीष कश्यप अभी तक जेल में बंद? हम बताते हैं अब सच्चाई क्या है। दरअसल जो ईजीआई कंपनी है ना, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि गलत न्यूज छापा है तो इसको गिरफ्तारी नहीं होगा, इसको आजाद किया जाए, इसको कोई गुनाह नहीं है, दरअसल उसका केस ना कपिल सिब्बल लड़ रहे थे, और कपिल सिब्बल का उस जगह पे कहना था, वही लड़के जिताए केस को, कि गलत रिपोर्टिंग करना सर फॉल्स नहीं होता है, मतलब गलत रिपोर्टिंग करना फॉल्स नहीं है, गलत रिपोर्टिंग करना गुनाह नहीं होता है। कपिल सिब्बल यही केस लड़े हैं ईजीआई के तरफ से, लेकिन उस समय जब मनीष कश्यप के बात था तो उनका विरोध कर रहे थे। अब ये सब जो भी बता रहे हैं ना आपको, ये सब सूत्र के हवाले से पता चलता है, कोनो हम भी पैदा नहीं किए हैं, हमारा ऊपर केस उस नहीं कीजिएगा, हम पैदा नहीं करते, हम भी सूत्र मीडिया से जो पता चलता है वही बोलते हैं। कपिल सिब्बल जी जो है वो कांग्रेस के बहुत अच्छे, शायद राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, सदस्य रहे हैं सॉरी, और शायद वो राहुल गांधी तेजस्वी यादव इन लोगों का क्लोज फ्रेंड भी है स्टालिन जी का, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, पहले बोल देते हैं हम नहीं बोल रहे हैं, जो मीडिया से मालूम चला हम वही बोल रहे हैं। तो हमारे ऊपर केस नहीं कीजिएगा, जो भी देख रहे होंगे, तो हमको जो मीडिया से पता चला वही हम बोल रहे हैं। खैर हमारा उतना कोई मतलब नहीं है, कौन किसका दोस्त है, किसका सदस्य है, किसका सांसद है, हमको उतना नहीं आता है भैया, हमको नेतागिरी नहीं आता है, हमको उतना मतलब भी नहीं है राजनीति से, पॉलिटिक्स से हमको लेना देना नहीं, मतलब हमको मनीष कश्यप से, कि मनीष कश्यप के साथ ही दोगला नीति क्यों होता है, मनीष कश्यप के साथ दोगलापंथी क्यों होता है? क्योंकि मनीष कश्यप फौजी का बेटा है, क्योंकि मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा है, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार में युवाओं का पसंदीदा है, क्योंकि मनीष कश्यप आने वाले समय में बिहार का भविष्य है, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है, क्योंकि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है, और क्योंकि मनीष कश्यप सच बोलता है, क्योंकि मनीष कश्यप भ्रष्टाचारियों को रेलता है, क्योंकि मनीष कश्यप चोरवा नेतवाओं को ठेल देता है, इसलिए मनीष कश्यप के साथ दोगलापंथी किया जा रहा है ना, यही ना। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो बातों को रखने जा रहा हूँ आप कृपया शेयर करके लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें। देखिए बड़े होर्डिंग को लगा करके मैं जन जन तक ये खबर पहुँचाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही अच्छा एक आदेश आया है सभी पत्रकारों के लिए और सभी समाज सेवियों के लिए और सभी जन जन के लोगों के लिए। ये बताया गया है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होती है, लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उसे छीना नहीं जाएगा। एक सवाल है, क्या जरूरत पड़ गई आपकी, मनीष कश्यप का इतना बड़ा पोस्ट? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि लोग अपनी बातों को निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल रख सकते हैं, यदि आपको अपनी बात को रखने में अगर कोई मिस्टेक भी होता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब से एनएसी जैसे प्रक्रिया भारत में लागू हुई करीब अभी 43 साल हो गए हैं, 43 ईयर्स हो गए हैं, और ये पहला पत्रकार है जिस पर सबसे पहली बार एनएसए लगा गया, एक सवाल करने के लिए, मजदूरों का दुख को बता दिखलाने के लिए एक सवाल करने के लिए एक ट्वीट किया था, उन पे एनएसए लगा दिया गया। और हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मणिपुर की जो घटना देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ईजीआई की जो बात हो रही है, ईजीआई ने 24 पन्ने का गलत खबर बोला जा रहा है, उन पे भी मांग किया कि इन पर भी आप एनएसए लगाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि नहीं ऐसी। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, देख लीजिए, दिखाइए जरा, दिखाइए, एक मिनट, देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सेज wrong reporting is not a crime, then why Manish Kashyap is still in jail? दम पति की बात है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, incorrect information is reported across country every day, making false
स्टेटमेंट इन आर्टिकल इज नॉट ऑफेंस, मतलब कहने का मतलब है देखिए गलत और भ्रामक खबर तो रोज बराबर पूरे भारतवर्ष में फैलाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी फटाक्ष आप एनएसए लगा दीजिए, आप किसी पे एनएसए ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ये बताया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि भ्रामक खबर फैलाने पर यदि एनएसए लगाने की बात कर दी जाती है, एनएसए लगा दिया है तो आप ऐसे एनएसए नहीं लगा सकते हैं, इसका खंडन किया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा उन्होंने एक जजमेंट दिया है, बतलाया है कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और तमाम पत्रकार तमाम समाज से भी तमाम पब्लिक फिगर के द्वारा रीट्वीट करके ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ये बोला जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हुजूर जिस प्रकार से आपने ईजीआई के पत्रकारों को आपने राहत दिया तो क्या हमारे गरीबों के मसीहा जो बार बार सच की बात को उठाते थे, भ्रष्टाचार पे बोलते थे, यदि मान भी लेते हैं उनसे गलत रिपोर्टिंग हो गई, उन्होंने गलत सवाल कर भी लिया, हालांकि उन्होंने किया नहीं है, नहीं, मेरे आपसे एक नहीं सवाल किया है, एक सवाल उनको उनको राहत क्यों नहीं, एक सवाल सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार होने के नाते एनएसए लगाया गया है, बिल्कुल सरकार कहती है कि पत्रकार नहीं है यूट्यूबर है, अरे गल देखिए मनीष कश्यप को यूट्यूबर है, मनीष का यूट्यूबर है, पत्रकार है, कैमरामैन जरा घुमाइए, बताइए सत के साथ आप लोग है कि नहीं, सत के साथ है कि नहीं, गरीबों की जो बात करेगा उसका साथ है, मनीष कश्यप को जानते हो, हाँ कौन है वो फोटो में जो लगा रहे हैं अभी, मनीष कश्यप रिपोर्टर है, देखिए लोग जानते हैं, रिपोर्टर आपने कहा यूट्यूबर, क्या बोला इसने, रिपोर्टर मैं नहीं कर रहा, सरकार कह रही है ना, जनता सरकार कहेगी, ऐसे युवा तय करेंगे जो पढ़ रहे हैं, जो अकाल के भविष्य है ये तय करेंगे वो क्या है, वो एक पत्रकार है, सच्चे पत्रकार है, अब दिल्ली दूर नहीं, जितना सताना था सता लिए, जितना रुलाना था रुला लिए, आ गया है समय, अब वो जल्द ही आएगा समय जब मनीष कश्यप की जेल से रिहाई होगी और हम तमाम समर्थक मिलकर उनका स्वागत भी करेंगे, करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत दिन हो गया और आप लोग जो सपोर्ट कम कर रहे हैं ना, हमको इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है, सपोर्ट कम नहीं कीजिए, मनीष कश्यप जेल में चला गया तो मनीष कश्यप खुद यही बात बोले थे कि बिहार का वो सिस्टम है कि जब कोई ज्यादा दिन तक कोई चीज कोई आदमी गायब हो जाए तो लोग उसको भूल जाते हैं, जैसे उदयनिधि स्टालिन को सब भूलना गया, पहले उदयनिधि स्टालिन को सब याद रखे हुए था कुछ दिन तक लगातार, अभी उदयनिधि स्टालिन को भूल गया, तो यही हमारा बिहार का किस्मत है, यही है, तुरंत हम लोग भूल जाते हैं कोई भी चीज को, भूलिए मत, मनीष कश्यप को नहीं भूलना है भैया, मनीष कश्यप को नहीं भूलना है, मनीष कश्यप को नहीं भूलना है, चलिए इसी बात पे मनीष कश्यप जिंदाबाद कमेंट में भर दीजिए, जितना मन है, इस बार नहीं बोलेंगे 5 को 10 को, जितना मन है भर दीजिए, तो यही था खबर कि मनीष कश्यप को राहत मिल जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है फॉल्स रिपोर्टिंग इज नॉट अ क्राइम, देन व्हाई मनीष कश्यप इज स्टिल इन जेल, अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है ना, हाँ थोड़ा बड़ा अंग्रेजी आता है तो बोल देते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब कि अगर मनीष कश्यप अगर गलत रिपोर्टिंग करना गुनाह नहीं है तो मनीष कश्यप ने भी कोई गुनाह नहीं किया है, मनीष कश्यप को रिहा किया जाए, बस इतना ही कहना है, बाकी तमाम हमारे समर्थक मनीष कश्यप के जो भी है सपोर्ट करते रहिए, बस इतना ही गुजारिश है आप लोगों से, चलिए अब हमको दीजिए इजाजत, मिलते फिर नई अपडेट के साथ कल, मैं शौर्य दशैस क्रिएशन के लिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय हिंद।